साधारण निर्वाचन पूर्व सरगरम बलांगीर राजनीति निर्वाचन आसिले बलांगीर विधानसभा निर्वाचन मंडली रे चले प्रसंग भित्तिक लड़े विभिन्न दल विभिन्न प्रसंग को आयुध कर निर्वाचन लड़ती समय कांग्रेस वरिष्ठ नेता नरसिंह मिश्र आगामी निर्वाचन लड़े कि ना आरंभ हो चर्चा बयस 83 हो प्रत्यक्ष राजनीति में लड़े ना प्रश्न उठी तेरे छात्र जीवन राजनीति करुवा नरसिंह मिश्र भूमिका निर्वाचन में कौन रे सब आलोचना सबुठ चर्चा कलिंग टीवी को प्रतिक्रिया नरसिंह मिश्र कहते आगामी निर्वाचन में लड़े कि ना समय कह जो आगामी दिन में 2024 निर्वाचन आसीबो कौन मुद्दा रहिबो एवं नरसिंह मिश्र क्यों भूमिका नेबे देखंतु मला पर्यंत राजनीति मु छाड़िबार नहीं बलांगीर विकास पाई मला पर्यंत निश्चय चेष्टा करथिबि चेष्टा करूथिबि 2024 निर्वाचन रे मुद्दा कौन रहिबो जेतेबेले आपण निर्वाचन को ओल्हेबे पूर्वरु आपण घोषणा करथिले नरसिंह मिश्र आउ निर्वाचन राजनीति रे रहिबे नहीं किंतु लोकंकर जदि दाबी हुए पुणी नुआ निष्पत्ति नै पारंती कौन मुद्दा रहिबो एवं निष्पत्ति कौन नेबे 100% जदि मु लोकंकर सेवा करि पारिबि नै ताले विधायक हेकि रहिबि काहेकि सेवाटा जदि 90% भी हो जाए मु विधायक हबा कथा नुहे नरसिंह मिश्र लोकंकु मिथ्या प्रतिश्रुति दे निर्वाचित हेइ नै से लोईसिंगा निर्वाचन मंडली हूँ बलांगीर निर्वाचन मंडली हूँ मुझे मोर बयस है 83 वर्ष आउ 5 वर्ष लोक आशीर्वाद जी निर्वाचित हुए ताले केते वर्ष हो 89 वर्ष हो सब रोग आक्रांत सब प्रकार सेवा दे पारि तो लोक को लोक से कथा विचार करेंगे लोक जदि दाबी करेंगे से विचार कर किंतु वर्तमान मो निष्पत्ति जोटा मु कहली बयस मत साथ दौ नै निर्वाचन लड़िया पे कौन मुद्दा हबो 24 निर्वाचन सही विकास रो मुद्दा हबो अधिक आलोचना करबा प्रोफेसर मानस बेहरा अछंती राजनीति समीक्षक प्रोफेसर बेहरा अपन को स्वागत करुछि कलिंग टीवी को वर्तमान नरसिंह मिश्र प्रतिक्रिया दे कहिछंती जे स्वास्थ्यगत कारण पई से निर्वाचन न लड़ी पारंती किंतु जदि लोकंकर दाबी आसे तेबे निर्वाचनी मैदान को ओल्हाइबा नै सेते बेले से निष्पत्ति नेबे माननीय विधायक नरसिंह मिश्र उड़ीसा एक परिचित नेता एवं अभिज्ञ नेता वामपंथी आंदोलन आसछंती एवं जनता दल रे विजय घोषणा रे आइनमंत्री रहिछंती दक्ष वकिल ज्ञान बहुत विधायक भाव में विधानसभा परिचालन नेचुरल लोक आशा करे से आउ थे निर्वाचन लड़तु एवं खाली निर्वाचन मंडल सेवा करें विधानसभा परिपक्व स्वर आसु किंतु कथा हूँ व्यक्तिगत स्वास्थ्यगत कारण किए न भावु सी जेहे गोटे दुखीपान मनीष किए न भावु जे क्षमता पाई एत बयस लोभ करेणुज तरफ मना कर व्यक्तिगत निष्पत्ति कार किसी कहार ना कि कथा हूँ भी अभिज्ञ व्यक्ति अभाव रही विधानसभा निश्चित भाव विधानसभा मिस करपक् स्वर एवं विचार तबे प्रोफेसर बेहरा जदि नरसिंह मिश्र नुहंती तबे किए बलांगीर राजनीति रे कांग्रेस रो मंग आउ के धरि परंती काकि ना से मध्ये स्पष्ट करिसेंती जे मल्ला पर्यंत मु राजनीति छाडीबिनि किंतु निर्वाचन रे लढिबे कि नाही से नै स्पष्ट करि नहंती ए राजनीति अर्थ केवल निर्वाचन राजनीति नै वोट रे छडा हवा नै राजनीति से लास्ट पंद रहे ताकर कमिटमेंट अछि राजनीति करिवार अर्थ नै वोट रे छडा वोट नछाई मते राजनीति करि परिवे किंतु बलासी बलांगीर लोईसिंगा रे कांग्रेस के प्रार्थी हो कि बीजेडी बीजेपी के प्रार्थी हो दल से कथा निर्धारण करिवो आउ ताकर नुवा चेहरा के हेबे एवं नरसिंह मिश्र प्रभाव केवल लोईसिंगा भितर सीमित नै समग्र बलांगीर रे अछि तेणु से काहाकु ताकर परवर्ती दायाद करिवे उत्तरदायित्व देवे काहाकु से ताक जगार से कथा दल से निष्पत्ति करेंगे व्यक्तिगत भाव आमर निर्दिष्ट मत किसी ना कि आम कहते किसी हम ना जदि प्रोफेसर बेहरा जदि नरसिंह मिश्र भली टाणुआ नेता कांग्रेस रो मंग न धरंती निर्वाचन समय रे लोक माने अन्य केउ दल को सेठारे बाछिबा को ठीक भाबिबे कि
ତାଙ୍କର ଅଭାବ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକ ଦଳ ଛାଡି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଆଉ କୁଆଡେ ପଳେଇବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ବା ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଚେହେରା କେମିତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେମିତି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ତାଙ୍କର ତୁଳନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଗୁଡାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ଯେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଯଦି ଛିଡ଼ା ନ ହୁଅନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେ ସିଟ୍ ହରାଇଦେବ, ଏମିତି ଭାବିବା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେତେବେଳକାର ପରିସ୍ଥିତି, ସେତେବେଳକାର ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ ଯଦି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମଙ୍ଗ ନ ଧରନ୍ତି କିଏ ଧରିବେ ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।